So, aapki film, Kis Kisko Pyaar Karoon, is releasing in just a few days. Aapko kaisa lag raha hai? Ji. बहुत अच्छा लग रहा है अमृता, बिकॉज पहली बार फिल्म कर रहा हूँ मैं. लोगों ने इतना प्यार दिया हमेशा, टीवी में जितने भी शोज किए हैं. अब उम्मीद है फिल्म को भी लोग इतने पसंद करेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके का शो बनाया, हमने फैमिली शो, बच्चे माँ बाप सब दाद दादी बैठ के देखते हैं. फिल्म भी ऐसी ही है, नीट एंड क्लीन और ह्यूमर से भरपूर है और लोगों को मजा आएगा. Okay, I've got to say, sir, I watch your show every week, and me and my parents, we absolutely love it. Thank you, Amrita. Thank you so much. No problem. So, aap is film mein comedy film hai. Did you ever feel that you wanted to do something that wasn't comedy? Jo comedy na ho. Thoda different karne ke liye. तो डिफरेंट एक्चुअली मैं आपको बताऊं अमृता, ये कॉमेडी मेरे साथ डिफरेंट ही हुई एक्चुअली, क्योंकि कॉमेडी से पहले मैं सीरियस थिएटर करता था. ये लोगों को पता नहीं है, बिकॉज वो एक लार्ज स्केल पे नहीं होता था या टीवी पे नहीं करते थे. तो कॉमेडी एक्सीडेंटली शुरू की मैंने एक्चुअली, क्योंकि उस समय रीजनल चैनल पे आता था, वो उसमें किया परफॉर्म, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया. फिर लाफ्टर चैनल में पार्टिसिपेट किया, तो स्टैंड अप कॉमेडी मेरा फुल टाइम जॉब बन गया. तो बेसिकली शुरुआत मैंने कॉमेडी से नहीं की थी, शुरुआत मैंने सिंगिंग और सीरियस थिएटर से की थी. लेकिन अभी कॉमेडी करते करते इतना रियाज हो गया कि इसमें बड़ा इजी फील करने लगा. पर इस फिल्म में जो मैंने किया है, फिल्म में एक्चुअली फिल्म का ये फायदा है कि कॉमेडी फिल्म जरूर है, बट कुछ कुछ जगह कुछ ऐसा काम है इसमें जिसमें मैं बिल्कुल इमोशनल भी होता हूँ जिसमें, और अलग अलग कलर है इसमें. इसमें रोमांटिक सीन भी है कुछ और रोमांटिक सॉन्ग भी है, इसमें डांसिंग भी है. सो इसमें काफी सारा फ्लेवर है. सो ऑलरेडी ये डिफरेंट तो है ही बिल्कुल. Okay. बिल्कुल सिर्फ कॉमेडी भी नहीं आप इसको बोल सकते, थ्रू आउट कॉमेडी है नो डाउट. पर लास्ट में क्लाइमैक्स का सीन है जो जिसमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है इस फिल्म का जो हीरो है. सो है इसमें काफी रंग है, इसमें लोगों को देखने को मिलेंगे. Okay, so obviously it's directed by Abbas-Mustan, और वो जो एक्शन और थ्रिलर किस्म की फिल्म करते हैं, तो उसने कॉमेडी क्यों चुना और आपको क्यों चुना इसलिए? उन्होंने एक्चुअली ऐसे ही वो, बिकॉज Abbas-Mustan की आप देखें थ्रिलर एक्शन जरूर रहती है, लेकिन हमेशा कॉमेडी एलिमेंट रहता है. चाहे आप बाजीगर फिल्म देख लो उनकी, या खिलाड़ी देख लो, या अगर आप बादशाह देखें तो जो शाहरुख खान को लेकर उन्होंने बनाई थी बादशाह फिल्म, वो भी कॉमेडी थ्रिलर थी. लेकिन आउट एंड आउट इनकी ये फर्स्ट कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि कॉमेडी की उनको सेंस तो है, लेकिन अलग बात है कि वो पूरी कॉमेडी फिल्म नहीं होती थी, फिल्म में एलिमेंट रहता था. पर ये फिल्म उन्होंने एक्चुअली 2 साल पहले स्क्रिप्ट इनके पास थी, तो जो राइटर थे वो इनको बार बार पूछते थे कि आप कब बनाएंगे फिल्म, तो बोलते थे कि हमें कोई जस्टिफाई करने वाला कोई आदमी चाहिए जो इसको इस रोल के साथ जस्टिफाई करे, प्लस वो फ्रेश फेस हो. तो मेरा जब शो आया तो उन्होंने मुझे नोटिस किया, फिर उन्होंने उस राइटर को फोन किया अंकल्प को, अंकल्प उनका नाम है जिन्होंने फिल्म लिखी है, कि आप क्यों ना हम लोग कपिल को ट्राई करें आपकी फिल्म के लिए. तो वो ऑलरेडी मेरे साथ उस समय काम कर रहे थे कॉमेडी नाइट के लिए. तो उन्होंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं तो ऑलरेडी उनके साथ एसोसिएट हूँ. तो अगले दिन हम लोगों ने मीटिंग रखी और बस ये फाइनल हो गया, और तस्वीर उनकी टेकिंग और उनकी डायरेक्शन तो दुनिया जानती है. तो बस ये कि सब्जेक्ट अलग है और उनके उनके लिए सब्जेक्ट अलग है, मेरा तो फोटो है ये कॉमेडी, लेकिन मजा आया करके, बहुत अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने. ओके, तो जब आप आपका पहला शॉट जब हो रहा था, आपको कैसा फील हुआ उस वक्त? मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ उससे. एक रात पहले मैं कॉमेडी नाइट का शूट कर रहा था, तो मैंने 2:30 AM पैकअप किया, और मुझे मेरा सुबह कॉल टाइम सिर्फ 6:30 का. तो मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई, टेंशन में नींद नहीं आई कि यार मेरा पहला शॉट है कल. तो पर अगले दिन मैं पहुंचा तो मैंने देखा 250 लोगों का क्रू है, कैमराज लगे हुए हैं, ट्रॉली एक्शन, बड़े बड़े ट्रक्स आए हुए हैं वहाँ पे, और Abbas-Mustan खड़े थे व्हाइट कपड़ों में. तो मुझे खुशी हुई देखिए, मैंने यार सारे लोग मेरे भी आए हैं, कमाल है. मतलब थोड़े साल पहले बॉम्बे में आया था तो कोई घुसने नहीं देता था मैं अपने ऑफिस में, आज इतने सारे लोग मेरे लिए आए तो ऑफिस भी अच्छा फील होता है. ओके, तो आप इस फिल्म के एल्बम में आपने गाया भी है, प्लेबैक सिंगिंग भी की है, तो वो किसका आइडिया था, आपका आइडिया था? बेसिकली सबको पता है कि मैं अपने शो में गाता था और मुझे गाने का शौक है, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं जबरदस्ती कोई गाना गाऊं. ये नहीं कि मेरी फिल्म है तो मैं ही गाने गाऊंगा इसमें. तो मैंने साफ बोल दिया कि सर मुझे कोई गाना नहीं गाना है इसमें, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं गाऊं. फिर कपिल जूस हैं आप बर्मिंघम से जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लंदन में इंग्लैंड में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है, तुम सूफी गाते हो, तुम गजलें गाते हो, मैं तुम्हें अलग सा गाना गवाऊंगा जो तुम्हारी आवाज को सूट भी करेगा, और ट्राई करो. तो मैंने ट्राई किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि ये तुम ही गाओगे. तो एक गाना मैंने इसमें गाया है जो ड्यूएट सॉन्ग है, बम बम, ये अवेलेबल भी है यूट्यूब पे.
अभी सब टीवी चैनल पे चल रहेगा ना. ओके. तो प्लस एक सिचुएशनल सॉन्ग है जो बिल्कुल एक डेढ़ मिनट का है, वो शायद वो सीन में जब एक सीन है उसमें इंटरवल से पहले जिसमें वो फ्रस्ट्रेट है हीरो फिल्म का. Hmm. और उसकी तीनों बीवियां बोल रही हैं कि कल हमारा करवा चौथ है और जो व्रत रखती है बीवियां. hmm. तो चांद निकलने से पहले तुम हमें घर पे चाहिए, जब चांद निकलेगा तो तुम हमें ठीक मेरे घर पे चाहिए. अब चांद तो एक ही है और एक चौथ के सामने आ सकता है वो, और उसको तीनों के सामने आना है. तो वो फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा कि मैं कल कैसे हैंडल करूंगा. तो वो उस समय वो सिचुएशन में बैठा बैठा वो थोड़ा सा गुनगुनाता है. तो पूरा गाना नहीं है इसको, आप सिचुएशनल थोड़ा सा एक टप्पा बोल सकते हैं कि एक स्टैंजा है बस. और मजेदार है. Great, I look forward to it. तो आपके फ्यूचर में आपको क्या लगता है, आप दूसरी फिल्म करोगे? अभी तो काफी सारे ऑफर आ भी रहे हैं. मुझे वही चुनना है जो मेरे लिए सही हो, जिसको मैं जस्टिफाई कर सकूं. ये नहीं है कि मैं उठ के जा रहा हूँ घोड़े पे, हेलीकॉप्टर से गोलियां चल रही है और मैं नीचे से गोलियां चला रहा हूँ. मुझे वही कॉन्सेप्ट करना है, वही सब्जेक्ट चूज करना है जो मैं, क्योंकि मुझे भागदौड़ नहीं चाहिए. मुझे मेरा टीवी पे टचवुड मेरी रोजी रोटी अच्छी चल रही है. तो मुझे फिल्में वही करनी है जो मुझे पसंद आएंगी, जिसमें मुझे लगेगा कि लोगों का वर्थ होगा इसको देखना. तो ये जो फिल्म थी ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी लोग एक्सपेक्ट करते थे मेरी पहली फिल्म होनी चाहिए. कि कॉमेडी में लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, तो लोगों का भी यही मानना था कि पहली फिल्म मेरी कॉमेडी होनी चाहिए. दूसरी भी कॉमेडी होगी ऐसी बात नहीं, पर ये है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल छुएगा वही करूंगा. सिर्फ ये नहीं कि फिल्में आ रही हैं तो कर लो, मुझे वो भीड़ चाहिए भी नहीं वैसे भी. ओके. तो आपके मन में वो ख्याल आता है कि मुझे वो एक्ट्रेस के साथ काम करना है या वो डायरेक्टर के साथ काम करना है? कुछ खास नहीं, पर हाँ मुझे है कि बच्चन साहब के साथ अगर फिल्म हो तो मजा आएगा, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग का मुझे पता है. वो जब भी करते हैं, मैंने जितनी भी उनकी फिल्में देखी हैं जिसमें उन्होंने कॉमिक रोल किया है, तो बड़ा काम करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन कुछ हो तो मजा आएगा लोगों को देखने में. यस, आई एग्री. आई नीड टू आस्क यू, वी हैड अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम योर फैंस इन लंदन एंड इन द यूके हु वांटेड टू नो व्हेन यू आर कमिंग टू लंदन. मैं जल्दी आऊंगा. अभी लास्ट ईयर आए थे हम लोग यूनास के कैंसर फाउंडेशन के लिए, हम लोग थोड़ा फंड इकट्ठा करने के लिए एक फंक्शन था वहाँ पे लंदन में, तब आया था मैं. अभी नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से जल्दी आऊंगा मैं, क्योंकि कॉमेडी नाइट्स के शोज हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं. ग्रेट. तो जल्दी जल्दी चक्कर लगेगा. ग्रेट. ओके, डू यू हैव अ मैसेज फॉर एनी ऑफ योर लंदन फैंस अबाउट योर फिल्म? जी, मुझे यही कहना बस कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमेशा ही मेरे काम को, जो भी मैंने आज तक किया है. सो ऐसे ही आप आगे प्यार देते रहे और खुश रखिए अपने आप को और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए. बस मुस्कुराते रहिए और बहुत छोटी जिंदगी है, हंसी खुशी बिताइए और भगवान आप सबको खुश रखे. जी, आपको भी भगवान खुश रखेगा. आपको कितनों को हंसाया है. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू वेल विद द फिल्म.